नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में स्वस्थ भारत दिवस मनाया जा रहा है और एक तरफ एडीएमसी के कर्मचारी धरने प्रदर्शन पर है, तो आइए जानते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बीजेपी मुर्दाबाद, सरकार चला रही है और एक तरफ जिन आप लोगों के हाथों में स्वच्छता की मशाल महान है और आप ही लोगों को माने तो काले झंडे आप लोग काले झंडे इसलिए बांधे हैं क्योंकि हमारे हमारा जो निगम को नहीं होगा तो हम किसी का भी काम नहीं होने देंगे। हम इस प्रोग्राम में जाएंगे, तुम्हारी से बात करेंगे, आगे की बात आप रख रहे हो। 5-5 लाख रुपए देखो, 5-5 लाख मिलने नहीं दिया गया आप। आज मनोज तिवारी का यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर प्रोग्राम चल रहा है स्वच्छता को लेकर, तो आप काले झंडे दिखा के क्या प्रदर्शन? काले झंडे दिखा के दिखाना चाहते हैं कि आज पब्लिक के लिए तो आप इतना कर रहे हैं जो कि हम सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी के बारे में कुछ नहीं कर रहे। हमारे लिए कुछ नहीं है, कम तक कभी ऐसे नहीं बोल रहे। हमारे लिए पहले हमारा बाद में पब्लिक का कुछ और, हमें बंद करने का कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है। हमने कानून का कोई उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी का संस्था है गरीब लोगों का, मजदूर लोगों को कुचलने की बात करती है, तो कहती है सबका साथ सबका विकास। हमारा कहाँ विकास हो रहा है? 13,000 रुपए में से 4,000 रुपए हमारी तनखा काट दी, हम कैसे गुजारा करेंगे? एक तरफ करोड़ों रुपए स्वच्छता अभियान के ऊपर लगा रही है और एक तरफ मजदूरों का शोषण कर रही है। ये कैसे मोदी सरकार है? ये तो मध्य मोदी सरकार नहीं है, ये सब जनता भूखी है, मोदी सरकार झूठी है। मोदी मनोज तिवारी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काम करेंगे, यानी संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे, संविधान के दायरे के अंदर रह करके जय भगवान चाहे।